किसी ने क्या खूब कहा है, तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। और इन हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना दोस्तों, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके ये हाथ नहीं होते। ये पंक्तियां बहुत कुछ आपको मोटिवेट भी करेंगी, आपको प्रेरित भी करेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मुझे उतना ही मिलेगा, और यही सोचकर ना तो वो मेहनत करते हैं, ना तो वो संघर्ष करने की सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे सिर्फ बैठे रह जाते हैं कि मेरी किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किस्मत के पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो मेहनत करना सीखिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोगों ने मेहनत की है, मेहनत के दम से ही लोगों ने सफलता अर्जित की है। सफलता यूं ही इत्तेफाक से किसी को नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं, चुनौतियां आती हैं, आप उन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी में उन चुनौतियों को पार करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं जिस लक्ष्य को आपने अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए बनाया था। आपकी खुशी भी तभी दोगुनी होगी जब आप संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इस वजह से कभी भी किस्मत के भरोसे ना बैठे, मेहनत करते रहें, बाकी आपकी मेहनत आपके रंग लाएगी और आप अपने जिंदगी में मेहनत के बदौलत कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक इंसान अगर भगवान के भरोसे बैठा होता तो कभी चांद पर नहीं पहुंचता। अगर वह यह सोचकर बैठ जाता कि मेरी किस्मत में होगा तो मैं जाऊंगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो वहां तक खोज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सोचिए इंसान कितना टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेहनत करके आगे निकल चुका है। आप भी अपने जिंदगी में मेहनत करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि जितना अधिक संघर्ष होगा आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। ये बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। शुक्रिया।